हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरे एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं बक्सो सिमुलेटर। और जैसा कि तुम्हें पता है भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। और हमने पिछले वाले एपिसोड में ये छोटा सा टेंट हाउस बनाया था, मतलब एक पिकनिक जहाँ हम कर सकते हैं। और यहाँ टेंट वेंट लगा रखा है भाई, गिटार वटार भी लेके आया था, बेंच लेके आया था, काफ़ी कुछ लेके आया मैं तो। चलो, और आज हमने भी बहुत कुछ करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भाई स्लाइड वाला झूला भी लेके आया था पिछले एपिसोड में, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। और अपडेट्स तो तुम्हें मैंने पढ़ा ही दिए थे इस बोट पे। तो चलो भाई, अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। और ये अभी पार्क का इन्होंने गेट ठीक नहीं करा भाई, केस भी सॉल्व हो गया है। और ये भाई पार्क का गेट ही नहीं ठीक कर रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। तो चलो जल्दी से चलता हूँ अपनी शॉप के पास। और हाँ, यहाँ से डेकोरेशन का सामान लेके चलूँ, क्योंकि मेरे को एलियन वाली जो शॉप है उसे रेडी करना है, उसे रेडी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ना आके मैं लूँगा, पहले ना मैं चल के देख लेता हूँ वहाँ पे क्या क्या लगाना चाहिए मुझे या नहीं। वैसे तो पहले पेंट कर लूँ, वो बेस्ट रहेगा। और ये देखो, ये हमारी शॉप पर ही नहीं जाने दे रहा भाई, उसे जाने दे यार, क्या कर रहा है अभी। तो ठीक है, काफ़ी सारे कस्टमर्स आए हैं। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे पहले पेंट कर लूँ अपने रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे भाई तीसरा गेट भी शायद से थर्ड चैप्टर में ओपन हो जाएगा, तो अपनी मस्त शॉप चलेगी। और यहाँ पे देखो कस्टमर्स आते हैं ना, मैं इनके लिए पता क्या सोच रहा हूँ कि ये हटा दूँ यार थोड़े बेंचेस, क्योंकि ना मेरी रेटिंग गिर जाती है तो मैं एसपी कमा नहीं पाता, और एसपी कमाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अभी यहाँ चलते हैं और यहाँ से मैं कुछ पेंट्स बाय करता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला पेंट लेना था, ठीक है, यहाँ पर मैं 4 या 5 बाय कर लेता हूँ। और ये हो गए बक्सों के लिए, ठीक है ठीक है। ये बक्सों का कलर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब लगता है भाई बक्सों का रेस्टोरेंट है। तो चलो इनका सारे कलर उठाता हूँ, एक कलर की नहीं स्पेस है भाई, 8 कलर उठाए थे मैंने। और एक सेकंड, वहाँ पे कुछ आ रहा था ऑप्शन पेंटर के पास, 2 मिनट। ये देखो, पेंट शॉप ऑनर, इसका भाई इसने मेरे को एंडी लुकीता के पास भेज दिया। हेलो, वेलकम टू टाउन हॉल, इज एनी थिंग आई कैन हेल्प विद, इंटरेस्टिंग थिंग टू सेल, हूँ मे बी बेंडर रियली क्रिएटिव शॉर्ट स्टॉप्स आर्के, भाई आर्केड मशीन मतलब आर्केड शॉप पर चल के देखेंगे। चलो बाद में करेंगे ये सब, अभी मैं ना रेस्टोरेंट में चलता हूँ और रेस्टोरेंट पे जो काम बाकी बुक है ना वो ख़त्म करते हैं, फिर इसके पास आऊँगा, फिर देखेंगे क्या क्या है। और यहाँ पे ऐसे भाई एक सैफ ऐसे ओपन होगा हमारा, वेटर सैफ नहीं, एक वेटर भी ओपन होगा मुझे जहाँ तक लगता है। और 4 चीज़ें तो अभी और भी हैं जो कि शायद से ओपन होंगी। तो चलो कोई नहीं, हम जल्दी से जल्दी उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो निकलता हूँ मैं अपनी शॉप के लिए, कलर भी करना भाई। यहाँ पे मेयर ऑफिस में आ चुका था मैं, तो ठीक है, अभी मेरे को वैसे भी यहाँ वापस आना है, डेकोरेशन का सामान लेना है यहाँ से, और एलियन की शॉप से एलियन का सामान लेना है, क्योंकि एलियन की शॉप का सामान एलियंस के लिए ही लगाना है, एलियन रेस्टोरेंट जो बना रहे हम। तो चलो यहाँ नीचे लगाता हूँ जल्दी जल्दी ये कलर्स, ठीक है, यहाँ पे इसे कंप्लीट करो। यहाँ पे ये वाला कलर लगाना है, डन भाई। एक को और पेंट कलर लेके आना पड़ेगा और उसकी बदौलत मेरे को एक कलर लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, सारे के सारे मैंने कलर लगा दिए हैं, और कलर्स लेके आने हैं तो उन्हें लगाना है। तो मैं ना जल्दी सारे के सारे कलर्स लेके आता हूँ और इसे ना पूरे रेस्टोरेंट को कलरफुल कर देता हूँ। फाइनली गाइस, सारे के सारे मैंने कलर कर दिया है, रेड नीचे बक्सों का पेंट और नीचे वाइट, भाई डिफरेंट कलर है। तो चलो अभी एलियंस के शॉप पर चलते हैं, उनसे भी तो प्रोडक्ट बाय करना है ना हमने। तो ठीक है, और इसने भी ऐसे फर्नीचर्स अच्छे अच्छे लगाए हैं यार, फर्नीचर्स ऐसा नहीं है। तो 2 सेल्फ बाय करता हूँ, 151 SP है मेरे पास भाई, बहुत ही मुश्किल से कमाई है। तो चलो, और तुम सब कहते भाई एक यूज़ कर लो, एक ऐसे यूज़ नहीं करता भाई, पूरी गेम भी मेरी रीसेट हो सकती है, तो इस करके अब कोई हैक वैक यूज़ नहीं करता मैं। तो ठीक है, यहाँ पर 4 वॉल ले लिए मैंने, तो ये मेरे 4 पूरे हो भी जाएंगे या नहीं, मेरे को लगता नहीं। और ये गोल वाले ना भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, मतलब अलग डिज़ाइन देते हैं अपने रेस्टोरेंट को, इस करके ना मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से फ्रंट पे लगाना है मेरे को, क्योंकि फ्रंट पे इसलिए लगाना है, रेस्टोरेंट का फ्रंट अपना किचन होगा ना। और यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं इसे, 2 मिनट, इसको मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ऐसा बनाऊँ, ठीक है, चिपका चिपका के बनाते हैं, और हमेशा वैसे ऐसे ही बनाता हूँ मैं। तो ठीक है, और मेरे को लग रहा है ना मेरे को कुछ और ला के यहाँ पे लगाने पड़ेंगे भाई एलियन शॉप से। तो चलो इसको पहले इधर पे लगाओ, डन। यहाँ पे मेरे को और चाहिए जो कि ना भाई अच्छा खासा फिनिशिंग दे। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सामान लगा है यार, अभी कुछ ज़्यादा लगा नहीं है। और मेरे हिसाब से एलियन काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, हाँ एलियन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। और यहाँ क्या ख़त्म हो गया, 2 मिनट, टॉफू ख़त्म हो गया भाई, टॉफू काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है, बट ठीक है, साथ में दुकान है। और हाँ, एक आइटम और है, वो ख़त्म होता है ना तो मेरे को वो लेने जाना पड़ता है काफ़ी दूर तक। और एक सेकेंड, यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट सारे के सारे उठाता हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो भाई कार्ट है वो चोरी हो गया है।
और ये भाई साहब मेरे को पता है मुंह देख रहे होंगे उसका मुंह, अच्छा ठीक है मुंह ही देख रहा है, तो वो लेके भाग रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है चोर, बट नो टेंशन ही नहीं है कोई। तो चलो अभी ना इसको मैं चल के पीटता हूँ भाई, टोफू डालना था मेरे को, इसने टोफू भी नहीं डालने दिया, तो चलो भाई इसको ख़त्म कर दिया हमने। तो ठीक है अपना जो भाई बक्सों का बंदा है वो आएगा, इसको उठाएगा और सिंपली से ले जाएगा। तो चलो मैं जल्दी से चलता हूँ अपनी शॉप पर, हाँ वहाँ पे इसको भाई रखना है तो मैं इसको टोफू देता हूँ। चलो गाइस यहाँ पे फाइनली अपना भाई आ चुका है बंदा, बस टोफू देना है, अपना काम स्टार्ट कर दिया इसने। और रेस्टोरेंट की रेटिंग फिर से गिर चुकी है, जो एलियंस आते थे वो फिर से भाग चुके हैं। कोई बात नहीं एलियंस को भागने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है अभी के लिए, मेरे को बस मेरे पास जितनी एसपी थी शायद से काम बन जाएगा मेरा, देखते हैं बाकी। तो चलो यहाँ से ना पहले मैं ये वाले सेल्फ ना मैंने थोड़े कम लगाए थे, मैंने थोड़े बहुत ज़्यादा लगाता हूँ अभी, ठीक है दो मैंने बाय कर लिए हैं। और अगर मैं इन्हीं सेल्फ करूँगा, मतलब इन्हें सेल्फ बोल रहा हूँ, अगर मैं इन्हें सेल करूँगा क्या मेरे को एसपी मिलेगा? अगर तुम गेम को खेलते हो सेकंड हैंड सैंड, मतलब सेकंड हैंड शॉप पे सेल करके देखो और बताओ मुझे कि हाँ तुम्हें क्या लगता है वो एसपी देगी या नहीं। ठीक है अभी ये एक रह चुका है, सेल लगाते हैं हम भाई, फाइनली इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है एक ऑनलाइन ऑर्डर आया हमारे पास, तो ठीक है अभी मैंने एक तो लगा दिया और ये ठीक है इतना तो चलेगा। और चलो अब जल्दी से चलता हूँ, और भी कुछ सामान है वो लेके आने मेरे को। एक सेकंड यहाँ पे चोर भाई साहब कितनी तेजी से, आज इसे पता नहीं है मैं शॉप पर ही हूँ और यहाँ मेरा ये बॉक्स लेके भागा है। भाई अगर मैं ऐसे रोज़ शॉप पर रहने लग गया ना इन चोरों की तो बैंड बजा दूंगा। मेरे को जल्दी से जल्दी वो पुलिस ऑफिसर खोलनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट वो पुलिस वाली ना अभी ओपन नहीं हुई है, बट वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा मेरे को उस पुलिस वाली के लिए ओपन करने को। तो चलो कोई बात नहीं, चोर को ऐसे ही पीटेंगे, एक दिन मैं शॉप पर ना अच्छी तरह रहूँगा और ऐसे ही पिटूंगा जिससे कि भाई नेक्स्ट टाइम से हमारे जब पुलिस रहेगी ना साथ हमारे, तो कोई भी चोर ऐसे आ नहीं पाएगा। शायद से पुलिस नहीं है वो, सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस की भाई यूनिफॉर्म अलग है। तो चलो अभी चलता हूँ एलियन शॉप पे और सामान लाना, भाई एलियंस की दुकान बनाना है, मतलब एलियन के लिए रेस्टोरेंट बना रहे हैं, एलियन के लिए सामान तो लाना ही पड़ेगा। और क्यों ना मैं सोच रहा हूँ डेकोरेशन का सामान, भाई एक क्रिएटिव ग्री हुई है। तो चलो यहाँ पे ना कुछ अभी बलून्स खरीदते हैं, इनको पता नहीं कैसे लगाना है बट चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो ठीक है भाई कितने अच्छे अच्छे हैं ना ये पता नहीं इसके साथ ये स्टैंड के साथ दे रहे हैं कि विदाउट स्टैंड है, अगर स्टैंड के साथ है तो मेरे को इन सबको बाहर लगाना, नहीं 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 ये मेरे को लग रहा है रूफ़ के लिए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा झूमर टाइप है ये, काफ़ी ज़्यादा सही है यार ये तो। तो चलो मैं ना जल्दी से चलता हूँ इन्हें लगाने के लिए, मेरे को पता नहीं था, और सही में बोलूँ अपना जो रेस्टोरेंट है इन्हें लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। एलियन की तो निकल पड़ी, पहली बार ना एलियन की शॉप में लगा रहा हूँ ये भाई झूमर से मैं। तो चलो अभी ना मेरे को इन्हें देख देख के लगाना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे ये हो गया, और ये है हमारा स्नोमैन है, ठीक है स्नोमैन है ये। तो चलो इसको ना यहाँ पे लगाता हूँ, ये बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा साइड में। अब मेरे को ना और थोड़े बहुत झूमर से लाने पड़ेंगे लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है ये ना कम पड़ेंगे यहाँ पे लगाने को। तो चलो सारे के सारे मैंने लगा दिया, बस ये लास्ट है, और ये यहाँ लग जाता ना और ज़्यादा औसम लगता, बट उधर नहीं लगेगा, ये बस रूफ़ के लिए है। तो ठीक है मेरे को और लगाने हैं, तो मैंने जल्दी से लाता हूँ रूफ़ पे अपने लगाता हूँ और कंप्लीट करते हैं अपनी रूफ़। ठीक है गाइस डेकोरेशन का सारा सामान मैंने लगा लिया, बस ये लास्ट है। तो चलो गाइस चंदा मामा को भी लगा दिया है हमने, और फाइनली हमारा डेकोरेट का काम तो ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा, बस थोड़ा सामान लाना है और एलियन की रेटिंग फिर से ओपन हो चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो चलो अभी एलियन से ले सामान लेके आना है, बट वेट अभी मैं ना यहाँ पे पहले से क्लोज करूँ, क्योंकि ना ये सब भाग के ना रेटिंग ख़त्म हो जाएगी और मेरे को रेटिंग अपनी अब बंद नहीं करनी, जब मतलब सब कुछ हो जाएगा ना एलियन का फिर सामान अंदर लगाऊंगा, बट एलियन की शॉप ओपन करूँगा। और अभी ह्यूमंस के लिए नहीं भाई, जितने भी बंदे हैं ना हमारे बक्सों के उनके लिए नहीं ओपन करने वाला, क्योंकि हमारी जो रेटिंग है वो गिर जाएगी, रेटिंग में फ़र्क पड़ जाएगा बस। एसपी जब कमा लूँगा ना भाई दोनों को अच्छी तरह ओपन कर दूंगा। और चलो यहाँ पे मैंने देखो एक फ्रिज लिया है, एक स्टोव लिया है, और मेरी कोशिश है कि मेरी जो शॉप है वो जो मतलब साइड वाला जो बंदों के लिए बनाई थी ना रेस्टोरेंट, वैसे ही एलियन के लिए भी बनाऊं। और यहाँ शावर वावर का सामान है यार, ये सब ना सही में बोलूँ घर में लगने वाला सामान है, बाकी जो किचन का सामान था वो तो मैंने ले लिया। तो चलो एक टेबल चाहिए मेरे को जिसपे ना मैं इसको रख सकूँ, एक ये वाला टेबल है, एक ये वाला टेबल है, बाकी और कोई टेबल है क्या यहाँ पे? ये वाला टेबल भी काफ़ी अच्छा है यार, ये 10 SP का है, तो 2 SP में दो ले लेता हूँ ना भाई, 21 SP बची है तो कमानी पड़ेगी मेरे को SP भाई, बहुत SP मैं लगा रहा हूँ अपने इस रेस्टोरेंट पे। तो चलो गाइस अभी चल के ना पहले मैं इसको रखता हूँ भाई अच्छी तरह, और फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ठीक है यहाँ पे ना पहले मैं इसको लगाता हूँ,
टर्न, दो मिनट सीधा करो इसको, ठीक है। अरे भाई परफेक्ट, इसे लगाने के लिए ना थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है सेंटर में लगाना था ना मेरे को, तो डन, बस इसको लगाते हैं। और बस अपना जो स्टो, भाई ये गलत थोड़ा सा गैप हो गया, दो मिनट इसे ना मेरे को देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अंदर की साइड, ठीक है, इतने में मेरे हिसाब से चल जाएगा। भाई 2 मिनट लगे, ठीक है, इतने में लग जाएगा। तो चलो यहाँ पे बस मेरे को इसको रखना है, और इसको रखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, फेंक दे। हाँ भाई आ गया, ठीक है, डन। थोड़ा सा टेढ़ा लगा अपना स्टोव, बट ठीक है। एलियन किचन वो है साइज से, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, सेल्फ ऐसा है, इससे पता नहीं ऐसा कुछ ही। तो चलो इसको उतारो, और इसको ना पहले फ्रिज लगाना है, ठीक है। फ्रिज थोड़ा बड़ा है एलियंस का, तो चलो मतलब हाइट में नहीं, वैसे साइज़ में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो ठीक है, इस बार एलियन का भी एक फ्रिज अपने घर पे लगाएंगे, देखते हैं कैसा काम करता है। तो अपना सारा का सारा यहाँ का किचन का काम तो कम्प्लीट हो चुका है, बस थोड़ा डेकोरेट करना है, और अपनी शॉप पूरी तरह से हो जाएगी रेडी। और यहाँ पे भाई इन सबको ना मेरे को हटाना पड़ेगा, हाँ तभी जाएंगे, बट इनको बाद में हटाऊंगा। और अपना यार ऊपर का सेल्फ कितना ज़्यादा सही लग रहा है। तो चलो इसे ना मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करता हूँ रेस्टोरेंट को, और फिर तुम्हें दिखाता हूँ अपनी शॉप देखने में कैसी लगने वाली है। तो फाइनली गाइस अपनी शॉप तैयार हो चुकी है, कुछ मैंने फोटोज लगाई, अपने सेल्फ तो तुम्हें यार सामने ही लगाए थे, और पूरी तरह से अपनी शॉप को रेडी कर दिया। तो चलो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ यहाँ से, जो उसकी रूफ़ है ना वो बाय करने के लिए। रूफ़ तुम्हें पता है ना एसपी में मिलती है, और एलियंस मेरे को शॉप इसलिए ओपन करनी पड़ी। और जो मेरी पीछे वाली वीडियो थी ना, उसका पता क्या सीन हुआ भाई, एकदम लाइट चली गई तो वीडियो सारी की सारी करप्ट हो गई। तो बस यही सीन था, बट हाँ इतना था कि मैंने अपनी शॉप को पूरी तरह से सेव कर रखा था, मतलब कि अपनी जो एक गेम है, अगर कुछ ऐसा भी होता है तो अपनी गेम ना सेव हो जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। तो चलो यहाँ से ना मेरे को ये सब बाय करना है, ठीक है मेरे को वेट करना पड़ेगा। मेरे पास कितने एसपी है, 41 एसपी है भाई मेरे पास, और यहाँ 50 एसपी के हैं। तो 2 मिनट मेरे हिसाब से भाई इतना ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लगे, बट मेरे को वो वेलकम बैक्सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मेरे को वही लगाना है भाई। 50 एसपी का है, कोई बात नहीं, यही लगाएंगे हम, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। 49 एसपी मेरे पास हो चुकी है, मेरे को करना पड़ा भाई वेट। और यहाँ ना मेरा किसी ने वो चोरी कर लिया है कार्ट, और वहाँ पे देखो मैंने खाली खाली ना यूज़ कर रखा है बंदों के लिए, मतलब एलियंस के लिए लगाई है वो शॉप, अभी यहाँ के बंदों के लिए नहीं लगाई, बंदों के लिए अभी मैंने अपना रेस्टोरेंट बंद रखा है। तो बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा एसपी कमा पाऊँ। तो चलो इसको मैं पहले कूटता हूँ, ठीक है फाइनली इसका ख़त्म हो चुका काम, अपना आएगा काट वाट ले जाएगा अपना भाई। तो चलो अभी मैं चलता हूँ जल्दी से, वो वाला पाए करता हूँ। मेरे हिसाब से 49 थी ना एसपी, हो चुकी होगी क्योंकि अभी कस्टमर्स बैठे थे ना एलियन वाले। तो चलो मैंने जल्दी चलता हूँ, ये रही अपनी शॉप, ठीक है। यहाँ से मेरे को बाय नहीं, 57 एसपी होगी भाई 49 से, तो ठीक है डन, बाय करते हैं। और यहाँ बक्सो, वेलकम बक्सो, भाई साहब ये देखो, वेलकम टू बक्सो टाउन, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है सही में यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम देखने के लिए। और तुम सब बताओ एलियन वाला रेस्टोरेंट तुम्हें कैसा लगा, अगले बार तुम्हें पूरा एक्सप्लोर करा दूंगा एलियन का रेस्टोरेंट, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलो गाइस इस वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो कर दो, कमेंट करके बताओ ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अब अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।